जल्दी करो, वो बूढ़ी चमगादड़ आती होगी। अच्छा अच्छा बस आया। इन बर्तनों में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। ये तो बानू को बहुत पसंद है, ये मत लो, ये सही बात नहीं है। ये हमारी बरसों की खिदमतों का सिला है। बानो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वो इन सब का क्या करेंगी? बानो, आपके जवाहरात में से कुछ कम तो नहीं है? हाँ सच्चे मोतियों की माला नहीं है। मैं समझ गई कि ये किन का काम है, मुझे उनको रोकना होगा। रुक जाओ रुदमुन, रोको इन दोनों को। कहां चली? ये क्या छुपाया हुआ है? मेरी उम्र भर की मोहब्बतों और इनायतों का ये सिला दिया तुमने? तुम्हें तो इतने कोड़े पड़ने चाहिए कि वही खत्म हो जाओ, या फिर हमेशा के लिए जिंदान में डाल दिया जाए। दोनों बड़ी अहमक खिदमतगार हो। उनके कदमों में गिरकर उनसे माफी क्यों नहीं मांगी थी ताकि वो तुम्हें माफ करें? अपने किए की माफी मांगो ताकि बानो बख्श दे। हमें बख्श दीजिए बानो, हम माफी चाहते हैं बानो हुजूर। बानो हम इल्तिजा करते हैं, हमें बख्श दीजिए, हमें बख्श दीजिए बानो हुजूर। बानो हमसे गलती हो गई, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। इन दोनों को बाहर निकाल दो। अगर मैं तुम लोगों की जगह होती तो खुद को मार डालती या जाकर नील में डूब मरती। इससे कबल कि मैं कोड़े मार मार के तुम दोनों की जान ले लूं, यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से। हम उन आपको सलामत रखे। हम उन आपको जाओ यहाँ से। निकल जाओ। जुलेखा के दर्द क्या कम थे जो हर रोज आसमान से एक नई आफत नाजिल हो जाती है। कभी अंबार खाना लूट लिया जाता है तो कभी जर्रो जवाहरात चुरा लिए जाते हैं, और ना जाने कल जब से अशे खुरनोश का गोदाम लूटा गया है इन बिचारों की हालत तो मजीद बदतर हो गई है। सुना है कि यूजासीफ के हुक्म के मुताबिक जो शख्स भी जिस जमीन पर काश्तकारी करेगा वो पदतरीज उसका मालिक हो सकता है। जी ऐसा ही है, और जितनी ज्यादा मकदार में गंदम हुकूमती गोदाम में जमा करवाएंगे उसी मुनासबत से आखनातून की जमीनों के मालिकाना हुकूक हासिल करते जाएंगे। तो क्या मैं एक अशराफ जाती होकर बिल्कुल जनाबी यूजासीफ की तरह सखी नहीं हो सकती? आज से आप सब लोग आजाद हैं, और मैं अपनी तमाम इमलाक, गंदुम, कपास और नर्सल के तमाम खेत आप सबको बख्शती हूं।
पास कुछ नहीं जिससे आप लोगों की जरूरियात पूरी हो सके। इन जमीनों पर काश्तकारी कीजिए और उसकी आमदनी से अपने अहले खाना का बंदोबस्त कीजिए। हम बानों की इस लुत्फ व इनायत को हरगिज फरामोश नहीं करेंगे। खुदाओं की रहमत हो आप पर, हमेशा खुदाओं की हिफाजत में रहे, आपका इकबाल बुलंद हो, सलामत रहिए बानो सुलेखा। क्या आशिक को नहीं चाहिए कि अपने माशूक के रंग में ढल जाए? अगर यूजासिफ खुद को मोहताजों का खादिम समझता है तो सुलेखा क्यों ना समझे? अगर वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता तो सुलेखा क्यों चाहे? आपकी कुल पूंजी यही इमलाक थी। मैं इन जमीनों का क्या करूंगी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस कसर को भी बख्श दूंगी। मैं खुद इन जमीनों की देखभाल नहीं कर सकती और इन बेचारों को भी भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। तो फिर बेहतर यही है कि वो अपनी जिंदगी खुद गुजारें। और हमारा क्या होगा? हम खुद जाएं भूख से मर जाएं? हमारे लिए काफी मौजूद है, हम भूखे नहीं मरेंगे। क्या हुआ, यहाँ सब क्यों जमा है? आप कहा थी बानो, एक खादिम जिसने जेरे लिबास को छुपाया हुआ था यहाँ से बाहर जाते हुए देखा गया है। हम सब उसके पीछे भागे लेकिन वो फरार हो गया। पता नहीं चला क्या ले गया। मैंने देखा था बानो, गालिबन आपके कुछ लिबास वगैरह थे। तो ये रुदम? अरे हाँ, रुदम तो मेरे साथ मुलिका सेन में था। वैसे इन कपड़ों का मैं क्या करूंगी? जब इन्हें जलवा नुमाई करके यूजासिफ की तवज्जो को मेरी तरफ मंजूर करना चाहिए था तो नहीं कर सके, सो मुझे इनकी जरूरत भी नहीं। पहनू भी तो किसके लिए? अगर बानो इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं इजाजत चाहूंगा। क्यों? अब कसर में मेरी जरूरत नहीं रही और मेरी यहां मौजूदगी बेकार है। मैं एक सिपाही हूं बानो, और फौज में रहकर बेहतर तौर पर खिदमत अंजाम दे सकता हूं, जबकि अब यहां मेरी मौजूदगी गैर जरूरी महसूस होती है। लेकिन हमें तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है। मेरा यहाँ से दिली ताल्लुक है, मैं हर रोज आपकी खबरगिरी को आता रहूंगा। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप मुनासिब समझिए।